हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज देखिए फ्रेंड्स, फिर से मैं आप लोग के लिए बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये अब मैं आप लोग को मल्टी कलर में बनाना बताऊँगी। या तो आप दो कलर में भी बना सकते हैं, या तो आपके पास बचे हुए ऊन हो तो मल्टी कलर में भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर फंदे की बात करेंगे। तो 2 के मल्टीपल आपको फंदे लेने हैं। चलिए हम डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने डबल सिलाई में उनको ले लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये हमारी बेसिक रो, अभी हमारी डिज़ाइन नहीं शुरू हुई है। तो पहले हम यहाँ पे एक सिलाई आगे की साइड से उल्टा उल्टा और पीछे की साइड से भी उल्टा उल्टा बना के आएंगे, फिर हमारी डिज़ाइन शुरू होगी। तो सभी फंदे को हम देखिए एक एक करते हुए उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो आप इस डिज़ाइन को, मैं आप लोग को दो रंगों का बना के दिखाऊंगी, आप इसको मल्टी कलर में भी बना सकते हैं बचे हुए ऊन से। सभी फंदे को आप पीछे की साइड से पहले फंदे को स्लिप करेंगे, बाकी के फंदे को उल्टा उल्टा बना लेते हैं। तो चलिए बना लेते हैं, फिर आप लोग को देखिए। हम बना के आगे की साइड आ गए हैं, सभी फंदे को पीछे की साइड से। अब यहाँ पे हम सेकंड कलर येलो कलर लगाएंगे। आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है, हमने सभी फंदे को येलो कलर से बनाना है। देखिए हमने सभी फंदे को यहाँ पे सीधा सीधा बना लिए। अब आ जाएंगे हम पीछे की साइड। यहाँ पे अब हमने सभी फंदे को सीधा सीधा ही बनाना है पीछे की भी साइड से। लेकिन हम यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग, बैक लूप से बनाना है। यानी देखिए, फ्रंट लूप से आपको ऐसे नहीं बुनना है फंदे को। आपको सभी फंदे को, पहले फंदे को तुमने ऐसे स्लिप कर लेना है। अब बाकी के फंदे को ये देखिए बैक लूप से हम सीधा सीधा बनाएंगे। ये देखिए ऐसे, आपको ऐसे नहीं बुनना है, ध्यान दीजिएगा, आपको ऐसे बुनना है ऐसे। ये देखिए ऐसे, ये देखिए हमने सभी फंदे को बनाते हुए हम आ गए अब आगे की साइड। यहाँ पे देखिए हमने सभी फंदे को, देखिए कितना प्यारा ये बन के आया है, बैक लूप से हमने बनाया है। अब देखिए हमारे डिज़ाइन की, ये देखिए दो रो तो हमने नॉर्मल ऐसे ही कंप्लीट किया येलो कलर से। यहाँ से हमारी डिज़ाइन शुरू हुआ। अब आगे की साइड से ध्यान दीजिएगा,
अभी तो सिंपल था, अब एक फंदा हमने यहाँ पे ऐसे स्लिप करना है। अब देखिए धागे को हम ऐसे लपेटेंगे, आपको ऐसे नहीं लपेटना है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं लपेटना है, ऐसे करना है, ठीक। बस आगे की साइड ऐसे लाना है। अब यहाँ पे दो फंदे को आप एक साथ बनाएंगे, जैसे हम जाली बनाते हैं ना धागे को अपनी साइड लाके, सिर्फ आपको वैसे ही बुनना है, ठीक। फिर देखिए ऐसे ले जाना है, आपको ऐसे नहीं ले जाना है, अरे सॉरी, ऐसे ही ले जाना है, मतलब आपको ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करना है। बस आप आगे की साइड लाएंगे और दो फंदे का एक करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हमने दो फंदे का एक किया। फिर से धागे को अपनी साइड लाएंगे, ये देखिए फ्रंट लूप से आपको दो फंदे का एक कर देना है। धागे को ऐसे लाएंगे और यहाँ पे दो फंदे का एक करेंगे। फिर से धागे को हमने अपनी साइड लाना है, दो फंदे का एक करना है। धागे को अपनी साइड लाएंगे, दो फंदे का एक करेंगे, एज स्टिच के फंदे को ऐसे सीधा बना लेना है। ये देखिए ऐसे, ऐसे ये बन के आ गया है कुछ। अब आ गए हैं पीछे की साइड, पहले फंदे को तो आपको ऐसे स्लिप कर लेना है, ध्यान से देखिएगा, सेट नहीं हो पा रहा है कैमरा, पहले फंदे को स्लिप किया, आगे की साइड से भी हम सभी फंदे को सीधा सीधा ही बनाएंगे, अरे सॉरी पीछे की साइड। यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, ये जो हमारा एक फंदा है बुना हुआ, उसको हम बैक लूप से बनाएंगे ऐसे पीछे की साइड से, ठीक। और जो ये फंदा लपेटा हुआ है इसको हम फ्रंट लूप से बनाएंगे। फिर देखिए इसको बैक लूप से बनाया, मतलब पीछे की साइड से, और जो लपेटा हुआ फंदा है उसको हम आगे की साइड से बुनेंगे। फिर देखिए यहाँ पे ये फंदे, इसको हम पीछे की साइड से बुनेंगे, इसको आगे, बैक लूप मतलब ऐसे पीछे की साइड से, ठीक। फ्रंट लूप मतलब इसको ऐसे बनाना है। फिर से ये देखिए एक फंदा बैक लूप से, एक फंदा फ्रंट लूप से, जो बुना हुआ है उसको हम बैक लूप से, और जो ये हम जाली वाला फंदा है उसको हम फ्रंट लूप से बनाएंगे। एज स्टिच के फंदे को पीछे की साइड से उल्टा ही बुनेंगे। अब आप लोग देखेंगे हमारी डिज़ाइन कुछ इस तरह बन के आ रही है। अब फिर से हम ऊपर ब्लू कलर से बनाएंगे, बेसिक रो हमने बनाना है, ऊपर की साइड सभी फंदे को हम सीधा सीधा बनाएंगे, आगे की साइड से अब सभी फंदे को सीधा सीधा बना लेते हैं, और पीछे की साइड से उल्टा उल्टा। अब यहाँ पे हमने चार सलाइयों का गैप देना है, दो सलाई सीधा सीधा और दो सलाई उल्टा, चार सलाइयों के बाद फिर से हमारी डिज़ाइन यही रिपीट होगी। आप चाहें तो ऊपर दूसरा कलर यूज कर सकते हैं, या तो इसी कलर को यूज कर सकते हैं अगर आपके पास बचे हुए ऊन हो। मल्टी कलर में भी इस डिज़ाइन को आप बना के बच्चों के लिए हाफ कार्डिगन बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा आएगा और बहुत जल्दी बनता है, ऊन भी ज़्यादा इसमें नहीं लगता है। देखिए सभी फंदे को हमने यहाँ पे सीधा सीधा बना लिया।
पीछे की साइड से सभी फंदे को उल्टा उल्टा बनाएंगे, बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने ये चार सलाइयों की बुनाई कर ली है, दो सलाई सीधा सीधे की साइड, दो सलाई उल्टे की साइड। टोटल यहाँ पे चार सलाई की गैप देने के बाद अभी यहाँ पे हम एक डिज़ाइन और बनाएंगे ऑरेंज कलर से। ठीक है, मैं आप लोग को मल्टी कलर में भी दिखा देती हूँ कि कैसा लगेगा ये डिज़ाइन। तो यहाँ पे देखिए हमने ऑरेंज कलर जोड़ लिया है, सभी फंदे को हम यहाँ पे सीधा सीधा बना लेंगे। चलिए बना लेते हैं सीधा सीधा। देखिए आ गया है बैक साइड, यहाँ पे भी सभी फंदे को सीधा सीधा बनाएंगे लेकिन बैक लूप से ऐसे। आपको ऐसे नहीं बनाना है, ध्यान दीजिएगा, आपको ऐसे बनना है। तो चलिए बना लेते हैं। आगे देखिए हम आगे की साइड फिर से हम, अब हमारी डिज़ाइन देखिए, पहले फंदे को तो हमने एडजस्ट जैसे स्लिप करना है, धागे को अपनी साइड लाएंगे, दो फंदे का एक करेंगे। ठीक, धागे को अपनी साइड, दो फंदे का एक करेंगे। आप चाहे बैक लूप से बनाए चाहे फ्रंट लूप से बनाए, जो आपको आसानी पड़े। फिर से धागे को अपनी साइड बनाएंगे हम दो फंदे, एक दो का एक करेंगे। धागे को अपनी साइड लाएंगे, दो फंदे का एक, धागे को अपनी साइड, दो फंदे को एक बनाएंगे सीधा। तो हमारे देखिए एक एक यहाँ पे फंदे बढ़ते भी जा रहे हैं, जो धागे को हम अपनी साइड करके बना रहे हैं, जाली की तरह हो जाता है तब ये। फिर से लपेटना नहीं है, सिर्फ आपको धागे को अपनी साइड लाना है और यहाँ पे दो फंदे का एक कर देना है। तो कितनी प्यारी डिज़ाइन है, बहुत जल्दी बनने वाली डिज़ाइन है, आप लोग ज़रूर इसको बनाएं। फिर से धागे को अपनी साइड लाएंगे, आप इसको बचे हुए ऊन से भी बना सकते हैं, एक फंदे को एडजस्ट इसको सीधा। और ये देखिए अब आ गए हम फिर से पीछे की साइड, पहले फंदे को स्लिप करना है, बाकी के फंदे को हम सीधा सीधा ही बनाएंगे इस डिज़ाइन में। देखिए हमने अब हम देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो एक फंदा बुना है इसको हम देखिए बैक लूप से बनाएंगे ऐसे पीछे की साइड से, और जो लपेटा है उसको फ्रंट लूप से। देखिए ये भी बुना हुआ फंदा है तो इसको हम ऐसे पीछे की साइड से बनाएंगे और ये लपेटे हुए फंदे को ऐसे आ देंगे। इसको बैक लूप से, इसको फ्रंट लूप से। एडजस्टेज के फंदे को उल्टा बना देंगे एक फंदा पीछे की साइड। अब देखिए ये हमारी डिज़ाइन कितनी खूबसूरत ये बन के आई हुई है, ध्यान से देखिए। अब फिर से हमने ये चार सलाइयों की ये ब्लू वाले से गैप देना है। आप जो भी कलर का बॉर्डर बना रहे हैं उस कलर से आपको यहाँ पे चार सलाइयों की गैप देनी है, सीधे और उल्टी दोनों रो मिला के, दोनों साइड का सलाइयों का मिला के चार सलाइयों की आपको गैप देनी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, नए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।